नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। गत रात्रि में लगभग 1 से 2 बजे के बीच मंडला पुलिस एवं बालाघाट पुलिस के माध्यम से नैनपुर में विभिन्न जुआ फड़ों पर पुलिस ने दबिश दी, जिस पर जुआ खेलने वाले 84 जुआरियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसके पास से नगद 29,02,955 रुपए, 15 वाहन सहित 84 मोबाइल, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 99,42,000 रुपए, कुल मशरू का 1,28,44,955 रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। आपको बता दें कि लंबे समय से नैनपुर में पुलिस अधीक्षक मंडला को नैनपुर क्षेत्र में जुआ फड़ की सूचना प्राप्त हो रही थी। उक्त सूचना की तस्दीक एवं जुआ फड़ पर दबिश की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा टीम का गठन किया गया था। गठित टीम को सूचनाओं के आधार पर टीम भेजकर संभावित स्थानों का भौतिक निरीक्षण तकनीकी आधार पर सत्यापन हेतु भेजा गया था। आपको बता दें कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंडला SDOP मंडला अश्वनी कुमार, DSP राहुल कटरे के मार्गदर्शन में मंडला एवं थाना नैनपुर की टीम द्वारा थाना नैनपुर क्षेत्र के अंतर्गत निवारी एवं वार्ड नंबर 14 नैनपुर में अलग अलग टीम द्वारा जुआ फड़ पर दबिश देते हुए घेराबंदी कर कुल 84 लोगों की घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसके कब्जे से लगभग 29,02,000 नगद, 8 दोपहिया वाहन, 7 चारपहिया वाहन, कुल 15 वाहन, 84 मोबाइल, जिसकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 1,28,44,955 रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि आरोपियों के विरुद्ध थाना नैनपुर में 2 पृथक पृथक मामले पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आपको बता दें कि दबिश में पकड़ाए आरोपी जिला सिवनी, नरसिंहपुर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, मंडला से जुआ खेलने आए हुए थे तथा लाखों का दाव लगाते थे। जुआ छापामार कार्यवाही में एक लाइसेंसी रिवॉल्वर भी जब्त की गई है। इस जब्ती कार्यवाही में 84 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। पिछले कुछ समय से ये सूचना आ रही थी कि नैनपुर में अलग अलग स्थान पर लोग बाहर के जिलों से आकर और यहाँ स्थानीय लोग भी मिलकर जुआ खिला रहे हैं, जिसमें लगातार हम लोगों ने अपनी रेकी करी और इसमें मुखबिर की सूचना के बाद कल रात्रि में मंडला मुख्यालय से टीम और यहाँ नैनपुर से टीम ने मिलकर इसमें दबिश दी है, जिसमें कि 2 जुओं की फड़ पर हमने 84 लोगों को गिरफ्तार किया है और एक आरोपी अनुराग अवधवाल अभी फरार है। इसमें हमने लगभग 29,02,955 रुपए कैश जब्त किया है, साथ में 7 जो है 4-व्हीलर्स और 8 2-व्हीलर्स, ये सब मिला के 1,28,00,000 रुपए का मशरूका है। साथ ही इसमें 84 मोबाइल भी जब्त किए गए।